रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी थम नहीं रही। सरकार के लाख दावों के बावजूद मुनाफाखोर कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। नए नए पैतरों से रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है। कुछ आरोपी पकड़ में आए हैं। इन आरोपियों ने रेमडेसिविर इंजेक्शन का नाम एंड्रॉइड रखा था, जो इनका कोड वर्ड था। इस कोड को बताने पर इंजेक्शन का सौदा करते थे। अस्पताल का कर्मचारी अस्पताल में मरीजों के लिए आए इंजेक्शन अपने दोस्तों के जरिए बाहर बेच देता था। एक आरोपी इंदौर सीट कवर संचालक है, दूसरा उसका भाई है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की डिमांड लाने वाला तीसरा ग्रीन मिडोज एरेरा हिल्स निवासी, जिसका 6 नंबर पर मेडिकल स्टोर है। भोपाल की कोलार पुलिस ने 5 रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इंदौर सीट कवर कारोबारी अंकित सलूजा, उसका भाई दिलप्रीत उर्फ नानू सलूजा और ग्रीन मिडोज एरेरा हिल्स निवासी आकाश सक्सेना। इनके अलावा एक आरोपी जेके अस्पताल का कर्मचारी है, जो फरार है। ये कर्मचारी रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी बड़े ही शातिर तरीके से करता था। अस्पताल में भर्ती कोविड मरीजों के लिए आए इंजेक्शन चुरा लेता था, बाद में उन्हें तीनों दोस्तों को बेच दिया करता था। एसपी साउथ साई कृष्ण ने बताया कि तीनों आरोपियों को मंदाकिनी चौराहे से एक वर्ना कार से गिरफ्तार किया गया है। तीनों ग्राहक के इंतजार में खड़े थे। कार की तलाशी में 5 इंजेक्शन बरामद हुए हैं। इन लोगों ने अब तक 16 इंजेक्शन बेचने की बात कबूल कर ली है। इस कालाबाजारी में डिमांड ग्रीन मिडोज एरेरा हिल्स निवासी आकर्ष सक्सेना के 6 नंबर स्थित मेडिकल स्टोर से आती थी। आकर्ष सक्सेना अंकित और दिलप्रीत के साथ मिलकर जेके अस्पताल के कर्मचारी से रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदता था। आपको बता दें कि ये खबर भी है कि आकर्ष सक्सेना को भोपाल क्राइम ब्रांच के 3 पुलिस कर्मियों ने 5 दिन पहले पकड़ा था। कहा जा रहा है कि तब लाखों के लेन देन के बाद उसे छोड़ दिया गया था। आरोपी रेमडेसिविर इंजेक्शन को एंड्रॉइड कहते थे। ये इनका कालाबाजारी करने का कोड वर्ड था। कोई रेमडेसिविर की डिमांड करता था तो उनको आरोपी भाव नहीं करते थे। एंड्रॉइड कहने पर आरोपी समझ जाते थे कि ये अपना वाला ही आदमी है। आकाश सक्सेना का 6 नंबर पर मेडिकल स्टोर है। इंजेक्शन की डिमांड उसी के पास आती थी। फिर वो अपने दोस्त अंकित और दिलप्रीत के साथ अस्पताल के कर्मचारी से इंजेक्शन लेकर सप्लाई करता था। मरीजों को लगने के लिए जो इंजेक्शन अस्पताल से स्टाफ को मिलते थे, उन्हें फरार आरोपी कर्मचारियों की मदद से उठवा लेता था। बाद में इंजेक्शन की खाली शीशी मरीज के पास रखवा कर सामान्य सलाइन लगवा देता था। अस्पताल के कर्मचारी को किए गए पेमेंट में अपना कमीशन जोड़कर आरोपी इंजेक्शन नए ग्राहक को बेच देते थे। पुलिस ने तीनों को आईपीसी की धारा 269-270 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 53/57 महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3 आदि में गिरफ्तार किया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।